एमरजेंसी 77 में लगी, 77 में बीजेपी की स्थापना 80 में हुई, तो बीजेपी के नेता कहां से गए? हाँ, तो जनसंघ के नेता गए। मेरे सवाल यहीं से शुरू होते हैं, तो जनसंघ के नेता गए। मैं यही कहना चाहता था, जो मैं सुनिए, उसमें राजनाथ सिंह जी, हाँ, वाजपेयी जी, अडवाणी जी और असंख्य हमारे पंजाब के नेता जो गए जिलों में, वो जनसंघ के नेता थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्ता और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, इस समय विधानसभा चुनाव जो है भारत के 4 प्रांतों में होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, उसका आरएसएस के साथ क्या नाता है? पिछले दिनों सुनने में ये खबरें आई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो गए हैं और उन मतभेदों के चलते सरकार जो है वो खतरे में भी आ सकती है। आज इसी सब चीजों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ और अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर स्वास्तिक शर्मा जी। आइए डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा से बात करते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या नाते हैं और क्या इनकी नीतियां हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आरएसएस जो है और भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो इनका नाता जो है वो हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए कि उनका नाता क्या है आपस में। ऐसे है राजेंद्र जी, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जी, ये बीजेपी का और आरएसएस का ये नाता जो एक पिता और पुत्र के बीच में होता है जी। आरएसएस को अगर पिता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न ये होता है कि आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशवराव हेडगवार जी ने की थी, जो उस समय डॉक्टर थे, विजयदशमी के दिन हुई थी इसकी स्थापना, और उस समय उनके मन में ये था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिस जो संस्था राष्ट्रीय निर्माण कर सके, राष्ट्र का निर्माण कर सके। उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उसके बाद ये भी सब कहने आता है कि अगर किसी ने बीजेपी का वो समझना हो तो उसको आरएसएस और जनसंघ का इतिहास जानना बहुत जरूरी है जी। हाँ, तो अब मैं आपको तरतीब बाई बताऊंगा। आपने जो नाता कहा है ये आपने एक सेंटेंस में कह दिया जी, क्या नाता है, लेकिन वो नाता किस गहराई तक जुड़ा हुआ है, किस आत्मा तक जुड़ा हुआ है, वो मैं अपने दर्शकों को आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोगों को ना कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहती है, और मैं चाहता हूं कि आज हमारे दर्शकों को ये चीज क्लियर हो जाए कि आरएसएस क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। हाँ, तो ऐसे है, तो उस समय स्थापना होगी तो शाखाएं लगनी शुरू हो गई। शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में अगर अभी आप भी जाओगे तो उसमें एक अलग कल्चर होता है, राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का, इस तरह से बातें होती हैं, देशभक्ति की बातें होती हैं। और अगर आप देखोगे कि आरएसएस की जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, वो सब के सब राष्ट्र को समर्पित हैं। यानी एक आरएसएस वो संस्था है जो चरित्र निर्माण करती है। अब उसके बाद हम आते हैं 1951 में, आरएसएस ने देखा कि हम देश के लिए करना चाहते हैं इतना कुछ, लेकिन हम तब करेंगे जब हमारी की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर होगी। अब आपको बताता हूं, जब भारत का विभाजन हुआ उस समय अपने दर्शकों को भी बताता हूं कि 3 दृश्य चल रहे थे। एक दृश्य चल रहा था कि जब लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था, लोग खुश थे। दूसरा दृश्य चल रहा था बंगाल के अंदर दंगे, और तीसरा दृश्य चल रहा था पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित लोग यहां पर आ रहे थे। और उस समय आरएसएस ही थी, चाहे आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, चाहे गूगल पे सर्च मार के देख लें, पंजाब जो लाहौर से जो शरणार्थी आ रहे थे उनकी सेवा कर रही थी। आरएसएस ने बहुत बहन बेटियों की इज्जतें भी बचाई हैं और बहुत लोग शहीद भी हुए हैं जी। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो 1951 आया, तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और बलराज मधोक जी ने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस का बड़ा बेटा। और बड़ा बेटा क्यों कह रहे हैं वो आपको बताऊंगा। हाँ, वो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा 5 मिनट लगेंगे आपको। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ जो था वो चुनाव लड़ता था बिल्कुल। तो जनसंघ हुआ। हाँ, तो आरएसएस ने इसलिए बनाया कि आरएसएस की नीतियों को लोकसभा में लेकर जाएं, क्योंकि जो भी बिल बनते लोकसभा में बनते आपको पता है। तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, राम जन्मभूमि का मुद्दा
जनसंघ ने उठाया। उस समय वाजपेयी जी को जो आरएसएस के प्रचारक थे जनसंघ में लेकर आए, अडवाणी जी को लेकर आए, बहुत असंख्य नेता जनसंघ में आए, तो उनकी जनसंघ आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद जैसे वक्त चलता रहा तो आपको ये जानकर बात लगेगा कि अखिल भारतीय जनसंघ के जो अध्यक्ष थे वो वाजपेयी जी भी रहे हैं, अडवाणी जी भी रहे हैं। और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है, अच्छा एक बात और, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना जी, आज भी स्टूडेंट एक्टिव विंग है, उसकी स्थापना भी बलराज मधोक जी ने की जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कोई प्रोग्राम देखते हो, आज भी रिश्ते की बात कर रहा हूं, वक्त चाहे बदल गया, आज भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारत माता के आगे पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करके भारतीय जनता पार्टी अपने हर प्रोग्राम वो शुरुआत करती है। लेकिन और अब बात सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इसका मतलब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी बीजेपी के सदस्य है नहीं थे जी, वो तो पहले चले गए थे। बीजेपी स्थापना 1980 में हुई है, 6 अप्रैल 1980 में हुई है, लेकिन उनकी भूमिका को बीजेपी ने आज तक कभी नकारा नहीं। आज भी प्रेरणा स्रोत जो एकात्मक भाव की जो चल रही है, नीति चल रही है, वो डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चल रही है। और उसके बाद मैं बताता हूं, ये था जनसंघ और जो वाजपेयी जी की कर्मस्थली रहा है, बलराज मधोक जी की राय, फिर आया एमरजेंसी। जो बीजेपी अब कह रही है कि एमरजेंसी मरिंता जेल में गए, जेलों में गए तो जी, एमरजेंसी में मरिंता जेलों में गए, तो आप ये बताइए एमरजेंसी जो 77 में लगी, 76-77 में बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, तो बीजेपी के नेता कहां से गए? हाँ, जनसंघ के नेता गए सर। मेरे सवाल यहीं से शुरू होते हैं, तो जनसंघ के नेता गए, मैं यही कहना चाहता था। तो मैं सुनिए, उसमें राजनाथ सिंह जी, हाँ, वाजपेयी जी, अडवाणी जी और असंख्य हमारे पंजाब के नेता जो गए जेलों में, वो जनसंघ के नेता थे। और राजनाथ सिंह जी के तो जो उन्होंने त्याग किया, उनकी एक दिन व्हाट्सएप पर भी आ रहा था कि उनकी माता जी बहुत सीरियस थे, वो जेल में बंद थे, लेकिन वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल हो सके। इस तरह से जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सेट किया। फिर उसके बाद जो एमरजेंसी हुई, उसके इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो सारे ग्रुप डिसॉल्व हो गई सरकार, तो वो जो सरकार थी 77 की, उसमें भी जनसंघ था। वाजपेयी जी पहली बार जो बने थे तब जनसंघ के थे, मेरी बात समझ गए? मैं मुझे पता तो है, उसके सरकार डिसॉल्व हो गई, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। तो 1980 में फिर उन्होंने सोचा कि हम जनसंघ को साइड करके हम एक अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि जो जनसंघ की पार्टी थी ना, जो जनसंघ के नेता थे जो आज भी हैं, वो कट्टर से बहुत ज्यादा, वो प्योरिस्ट फॉर्म है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा लचीलापन करते हम। तो फिर वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल 1980 में बॉम्बे के अंदर बीजेपी की स्थापना की। अब मैं आपको बात बताता हूं, जो यहां पर बहुत बड़ा डाउट होता है, वो ये यहां पर पटरी है ना, जो पटरी इधर को जा रही है किधर को जा रही है, लेकिन यहां पर बताता हूं, उसमें बलराज मधोक जी थे जो बहुत सीनियर नेता थे, जिन्होंने एबीवीपी की स्थापना की, उन्होंने कहा कि मैं जनसंघ में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने जनसंघ एज इट इज सर्वाइव रखा, कोशिश की, लेकिन लग चलता रहा, वो आज भी चल रहा है। 2016 में उनकी जो मृत्यु हुई तो मोदी जी खुद उनके घर गए श्रद्धांजलि देने के लिए, और मधोक जी ने कह दिया था कि देश मोदी जी आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे और आपके ही शासनकाल में जनसंघ के सपने पूरे होंगे, उन्होंने कह दिया था उनके मृत्यु के समय। और आज भी जो धारा 370 राम जन्मभूमि का मुद्दा है, वो जनसंघ के मुद्दे हैं, जिसको जिसके सपने साकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से आपने आरएसएस की भूमिका बताई, आपने जनसंघ के बारे में बताया, उसके बाद कैसे उत्पत्ति हुई भारतीय जनता पार्टी की, ये भी आपने बताया, और जनसंघ अब भी चल रहा है। मैं सहमत हूं आपके साथ डॉक्टर साहब। आरएसएस ये कहता है कि हमारा कहीं भी
किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, हम हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम डायरेक्ट किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते, हम किसी डायरेक्ट किसी पार्टी में इंटरफेरेंस नहीं करते। लेकिन पिछले दिनों जब जो पार्टी प्रधान थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दे दिया आरएसएस के लिए, और उस बयान से इतनी खलबली मची कि उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, मुझे नहीं पता कि उसमें सही क्या था गलत क्या था, उस बयान में क्या चीजें सामने आई, लेकिन उसके साथ ये जरूर हुआ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं उनमें फर्क आया। और आज मैं हरियाणा की राजनीति की बात करता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करता हूं, गुजरात की राजनीति की बात करता हूं, तो आरएसएस का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है उसमें राजनीति में, जबकि संघ ये कहता है, संघ ये कहता है कि हमारा राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हरियाणा की मैं मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में इस समय ये पोजीशन बनी हुई है कि आरएसएस ये चाहता है कि जितने भी, क्योंकि इस समय आरएसएस और बीजेपी में वहां फंसी हुई है, आपस में पेच फंसा हुआ है, आरएसएस चाहता है कि नए चेहरों पर दांव खेला जाए। 70% के करीब जो है उन्होंने अपनी लिस्टें तैयार की, 90 सीटें हैं, 90 सीटों पे हर सीट के लिए दो दो कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने अपनी तरफ से संभावित जो नाम है उसकी एक लिस्ट तैयार की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुराने चेहरों पे दांव खेलना चाहती है, उन्होंने तीन लोगों के संभावित नाम जो है उसकी लिस्ट बनाई है, और वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसके ऊपर अभी गुरुग्राम में फैसला पिछले दिनों होने के लिए मीटिंग हुई थी, अब दोबारा फिर है, पर कहीं ना कहीं ये चीजें फाइनल तो चलो अमित शाह ने करनी है क्योंकि जिम्मेवारी उनकी है, ठीक है, लेकिन इतने अमित शाह नहीं, अमित शाह संगठन करेगा, यहीं पर गलती है भारतीय जनता पार्टी में, हरियाणा को संगठन, हरियाणा की अमित शाह की ड्यूटी लगी है, ड्यूटी है वो फाइनल ही करेंगे। चलो एक प्रक्रिया होती है, अमित शाह जी की ड्यूटी लगी है, वो उसको बताइए जहां एक तरफ ये संघ कहता है कि हम किसी पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, हमारी इंटरफेरेंस नहीं होती, इसका आप यहां पर रुकिए, जी 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 बोलिए, आपने ये बात कही कि संघ पॉलिटिकल में कोई इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, संघ आज भी नहीं पॉलिटिकल में इंटरफेयर कर रहा जी। अब आप कहोगे कि अगर कर रहा है तो बीजेपी में क्यों कर रहा है, आप हाँ, मैं सुनो, आरएसएस का एक स्पष्ट फंडा है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चरित्र निर्माण करना, ठीक है, और आरएसएस में जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का आपको बताता हूं संविधान बना था, उसमें कहते संगठन मंत्री, संगठन मंत्री जनसंघ के समय में भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी बनी, देखो भारतीय जनता पार्टी की नींव तो ये है ना, विचारधारा, हर संगठन विचारधारा चलता है ना, विचारधारा एक हो सकती है, विचारधारा एक हो सकती है लेकिन संगठन दोनों अलग अलग है, नहीं कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसएस ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जी, वो बताता हूं, वो पोस्ट है, वो पोस्ट है, बोलिए, संगठन मंत्री की आरएसएस एक पोस्ट क्रिएट किया था, संगठन मंत्री जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीआर संतोष जी हैं, उनका काम यह होता है कि वो बीजेपी के बनते हैं, आरएसएस के नहीं है, आरएसएस ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया कि देखना कि हाँ वाच करना कि क्या वो जो हमारे उद्देश्य थे वो पूरे करते हैं कि नहीं, वो आरएसएस के नहीं बीजेपी के, वो संगठन मंत्री काम करते हैं, अच्छा हाँ वो ही संगठन मंत्री, अच्छा आपको बता दूं कोई बीजेपी की मीटिंग जब प्रदेशों में भी संगठन मंत्री है वो उनके उपस्थिति के बगैर नहीं होती। एक मैं बताता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि पिता पुत्र का रिश्ता है दोनों में, पिता अपने बच्चे को गाइड तो कर सकता है ना, वो ये तो बता सकता है कि ये लोग ठीक है आगे आपकी मर्जी है चलो चाहे ना चलो, गाइड तो कर सकता है ना, लेकिन फिर एक पार्टी प्रधान का, एक पार्टी प्रधान का ये बयान कि हम आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, एक बेटा कहे कि हमें बाप की जरूरत नहीं है, वो कहां तक वाजिब है। देखो कभी पिता, दुनिया में तीन रिश्ते होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, एक शिक्षक, एक माता और पिता, एक गुरु, और कोई बंदा नहीं चाहता कि ये बंदा आगे बढ़े, जितना मर्जी बीजेपी कह दे लेकिन जो पिता तो पिता ही रहेगा। आप अपने घरों में भी देख लो, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए लेकिन पिता तो पिता ही मानोगे, बाहर जाके ये तो नहीं कहोगे मेरे पिता ये नहीं है। अच्छा आप तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक ढांचा है
उसमें आरएसएस अहम रोल प्ले करता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, विचारधारा है, वो आरएसएस द्वारा है, लेकिन इंटरफेस और विचारधारा में फर्क है। अब आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि ये माहौल कैसे आ गया। एक बहुत बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावों के टाइम पर यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है जी। अब इसमें यह भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में तीन लेयर के नेता हैं। एक वो नेता जो पहले आरएसएस के हैं और बाद में बीजेपी के, एक वो नेता जो पहले बीजेपी के हैं दूसरे टाइम पर आरएसएस के, तीसरे वो नेता जो सिर्फ बीजेपी के ही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें। हाँ हाँ, जो पहले आरएसएस के हैं और बीजेपी में है, जो अभी बयान आया पूरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान हिल गया। ये कैसे बयान आ गया? उन्होंने सोचा कि ये बयान दिवाया गया है कि वाकई ये बयान है, संगठन हिलता है। बिल्कुल हिलता है जी। जो बीजेपी के पहले बाद में आरएसएस के हैं वो रहे न्यूट्रल, जो टोटली बीजेपी के हैं वो कहे जो मर्जी होता रहे हमें क्या लेना देना। अब जो आरएसएस के पहले हैं और बाद में बीजेपी के हैं, आपने देखना बीजेपी में कभी विद्रोह नहीं होता ना, इसमें टिकटों में अनुशासन है ना। बिल्कुल, ये अनुशासन की भावना भी आरएसएस से आई है बीजेपी के अंदर। अब राजनाथ जी हैं, शिवराज चौहान जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, तो आरएसएस के पहले बाद में बीजेपी के, और उसके बाद आज भी स्थिति ये है जो पहले आरएसएस के और बाद में बीजेपी के हैं वो देख रहे हैं। कल को मीटिंग है संघ की साउथ में, वो देख रहे हैं कि संघ हमें क्या आदेश करेगा तब हम काम करेंगे। अब शिवराज चौहान जी हैं, आपको पता मध्य प्रदेश के बने मिनिस्टर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, विद्रोह किया उन्होंने नहीं किया, वसुंधरा राजे ने विरोध किया नहीं किया, सतपाल जैन जी हैं टिप्पणी मिली विद्रोह किया, संजय टंडन जी हैं टिप्पणी मिली विद्रोह किया, क्योंकि ये लोग पहले आरएसएस के हैं और बाद में बीजेपी के हैं। विद्रोह वो करते हैं जो सिर्फ बीजेपी के हैं, जो आते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि हमारा राजनीतिक तौर पर मजबूरी है, जो लोग आते हैं ना वो करेंगे विद्रोह क्योंकि उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, वो कहें हम चले घर चले। जो बीजेपी के आरएसएस में है, जो पहले बीजेपी बाद में आरएसएस के हैं, वो उनका मकसद यही होता है, सुनो सुनो, कि हम संघ से तालमेल बना के रखें और जब टिकट की बारी है थोड़ी सी सिफारिश वहां से चल जाए, लेकिन संघ सिफारिश करता है, फाइनल डिसीजन संघ नहीं देता, ये बीजेपी ने देखना है गलत जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक कि इस समय विधानसभा चुनाव में इसका कोई अहम रोल नहीं होगा, किसका? आरएसएस का। देखिए अब मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि मेरा सवाल तो वही का वही है जहां से मैं शुरू हुआ था। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा हाँ, जिसके बाद आपको भी और जो हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं नेताओं को भी और आम जन को भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। आरएसएस अकेली संस्था नहीं है जी। उसके साथ 36 साथ में संस्थाएं चल रही हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संघ, शिक्षा शिक्षा की चलती हैं, एबीवीपी, सारे चल रहे हैं, एक नहीं आरएसएस। अब आपने देखा होगा हमेशा विपक्ष ये कहता है, मैं देखो एनालाइज कर रहा हूं, मैं चीफ रिपोर्टर हूं, एनालाइज कर रहा हूं जो हमने देखा। देखिए एक चीज, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम जहां जो बात कर रहे हैं वो हम एनालाइज कर रहे हैं, वो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी चीज को अदरवाइज ना लिया जाए। हां जी हां जी। तो आप ये देखना, विपक्ष ये हमेशा कहता है ईवीएम में खराबी है, कहते हैं जी ईवीएम खराब है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव योग पर जाते हैं, जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पर ईवीएम का मुद्दा नहीं होता, जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर ईवीएम का मुद्दा क्या होता है, उसका कारण सुनो। बीजेपी में एक बीजेपी का कैडर है, एक बीजेपी में वो कैडर है जो सिर्फ इलेक्शनों के दौरान नहीं आते हैं, इलेक्शनों करा के वापस चले जाते हैं। जो वो लोग आते हैं ना उनसे वोटें होती हैं, वो जो वोट एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं बीजेपी उसके अलावा, उसमें कहने लगते हैं ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब नहीं है, ये जो आरएसएस के जो लोग आते हैं ना बाद में। डॉक्टर साहब मैं आपको टोकना चाहूंगा, आप एक पत्रकार हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, ईवीएम खराब है तो फिर दूसरी पार्टी कैसे मेजोरिटी सरकार बना रही है? चलो चलो एक बात और जहां जहां भी जिस जिस प्रांतों में आरएसएस का संगठन स्ट्रांग है वहां पर बीजेपी भी स्ट्रांग है। आपने ये देखो कहां गया, ये हिमाचल
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहां पे स्ट्रॉन्ग है तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। जहां पर आरएसएस कमजोर है वहां पर बीजेपी कमजोर। डॉक्टर माफ करना, आप एक पत्रकार हैं, चीफ रिपोर्टर हैं हमारे, मैं ये कहूंगा भी जो भी बात हो वो निष्पक्ष हो, कहीं भी किसी हमारे निष्पक्ष देखने वाले को ये ना लगे कि हम, मैं वो बात कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं वो बात कर रहा हूँ, सुनो सुनो मेरी, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो परिस्थितियां हो रही हैं उनके उनके बिहार पर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं है, हमारे किसी भी देखने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन दे रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज हमने आरएसएस की डिसीजन की, मुझे तो कांग्रेस का भी इतिहास पूरा पता है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, इसके बाद मेरा सवाल है, छोड़ो इसके बाद, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी पता है, ममता बनर्जी का भी पता है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम निष्पक्ष तौर पर करेंगे। हाँ तो डॉक्टर साहब अब बात आती है, इसके बाद आपने जो इसकी भूमिका है उन चीजों के, मुझे एक चीज बताइए, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल है आपसे कि जो पार्टी प्रधान है, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो निर्णय है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा, वो क्यों अटका हुआ? हाँ सुनिए, जब ये स्टेटमेंट आई, जबकि नड्डा जी भी हाँ बहुत सीनियर हैं, हाँ नड्डा जी बहुत सीनियर हैं, एबीवीपी में काम किया, संघ में काम किया जी, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बीजेपी के अंदर, एक बात और, सदियों से महाराष्ट्र का होल्ड बहुत बड़ा रहा है बीजेपी में, हाँ बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे संघ भी है और बीजेपी भी। अब जब गुजरात आई, अब गुजरात लोग भी और महाराष्ट्र लोग भी आमने सामने हो गए। हाँ यस, देखिए महाराष्ट्र के बारे में मैं आगे आने वाला था, गुजरात और महाराष्ट्र आमने सामने हो गए, और महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस है, विनोद तावड़े हैं, सारे हैं बैठे हैं, उधर से शिवराज चौहान जी आ गए मध्य प्रदेश में, और जो आरएसएस, जो ये लोग वो कह रहा हूं जो पहले आरएसएस के बाद में बीजेपी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ समय में देखा होगा जो जो तीसरी लेयर है बीजेपी नेता, वो आगे नेता आने से, जी जी नेता आने से किसी भी पार्टी का कैडर नहीं हिलता, उसके साथ कुछ लोग आते हैं, लेकिन ये बीजेपी समझने लगी कि हम उनके बिहार पर, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बताता हूं, राजनाथ जी हैं जो पार्टी के अंदर, राजनाथ जी एक सीनियर लीडर हैं और उनकी बात संघ भी मानता है और बीजेपी हाँ, बड़े नेता हैं, बड़े नेता और बड़े नेता, उन्होंने कुर्बानियां भी की हैं। तो राजनाथ जी के घर में मीटिंग हुई, अमित शाह जी, मोदी जी, इधर से संघ के अरुण जी से और दत्तात्रेय हसबोले जी थे, मीटिंग होगी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या करें। अब संघ ये नहीं चाहता, देखो पिता की बात है ना, पिता ये नहीं चाहेगा, बच्चा बढ़ सकता है लेकिन पिता नहीं चाहेगा। बच्चे ने ये सोच के कहा, यानी बच्चे का बीजेपी ने, कि हमारे साथ नेता की हमें जरूरत नहीं है। अब संघ ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने जो पहले आरएसएस का, जिसको आरएसएस मतलब आप फिर ना कहने पॉलिटिकल कह रहा हूं मैं, आरएसएस की विचारधारा और साथ में बीजेपी का, उसके लिए शिवराज चौहान जी का नाम उन्होंने दिया, एक दो नेता और हैं, इसके कारण यहां पर पेश फंसा हुआ है। जबकि गुजरात लोग भी कह रही है कि दूसरे बनाए जाए, दो तीन नाम आए थे, वो कह रहे हमने वो नहीं बनाने, क्योंकि हम चार राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास पार्टी प्रधान जो अभी तक एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, नड्डा जी हैं, बिल्कुल एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उस पे फैसला नहीं है, लेकिन लेकिन ये पार्टी और उसके कुछ समय से ये बीच में हरकतें हो रही हैं संगठन के अंदर। तो अब आपको बता दूं, हरियाणा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र में तो पूरा गदर मचेगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो आरएसएस की मीटिंग भी है आज 31 को है जी, हाँ तो उसमें इनको टाइमिंग बिठानी पड़ेगी, नहीं तो महाराष्ट्र तो पूरा हिल जाएगा सारा इलेक्शन। अब महाराष्ट्र जो कैडर वोट है नागपुर वहां पर है, तो नेचुरली है, देखो जी जो एक प्रिपेयर होकर आ रहा है, शाखा में जाकर आ रहा है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, आरएसएस को यह कन्विंस करना पड़ेगा कि नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट कैसे दे दी, तब वो लोग लगेंगे पीछे उनके। महाराष्ट्र का ज्यादा हॉरिबल इलेक्शन होगा। तो डॉक्टर साहब आपके कहने के मुताबिक अगर हम बात करें तो आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए
जो मैं एनालाइज करता हूं, बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश होती है मेरी, मैं ये जो मेरी नजर में है कि बीजेपी शरीर है और आरएसएस आत्मा। अब इसमें आप समझ लीजिए कहानी क्या सारी, ठीक है, एक ही शब्द में मेरे सारे रिश्ते बता दिए। लेकिन ये क्लियर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट कैसे आई है, तब वो आरएसएस के 36 संगठन लगेंगे, आपको बता दूं आरएसएस लगेगी, ये पेच यहां फंसा हुआ है। सो दोस्तों ये चर्चाएं यूं ही आगे चलती रहेंगी, कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद। धन्यवाद।